बहुत बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जदयू की सदस्यता ले ली है। पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। अभी का बहुत बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं, जहां पर गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 5 महीना बचा हुआ था, जिसके बाद से राजनीतिक करने का उनका एक बार फिर से मौका दिया है जदयू पार्टी ने, और आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। वहाँ पर बड़े नेता में ललन सिंह और अशोक चौधरी मौजूद थे, उस समय उन्होंने सदस्यता ली है, और उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि दल जो भी फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा, अभी वह कुछ नहीं कह सकते। रितेश पांडे ने नीतीश कुमार को बधाई दे दी है और उनका आभार व्यक्त किया है। अभी का बहुत बड़ी खबर अभी आपको बता रहा है प्रकाश न्यूज लाइव। स्पेस से बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहा है, और यूट्यूब पे खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको हर एक खबर अपडेट मिलता रहा है। आइए आगे गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कहा है सुनिए। लड़ना या नहीं लड़ना ये मेरा फैसला नहीं हो सकता है, ये दल का फैसला होगा कि दल किस तरह से मेरी सेवा लेना चाहता है। अध्यक्ष जी बैठे, सदस्यता दिलाई, मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूँ। जिस तरह से प्रशासन में हर तरह से पुलिस को सहयोग करने का काम, जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति पूरी सख्ती बरतने का आदेश, और किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था, चाहे किसी स्तर का। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा।